हेलो फ्रेंड्स, मैं फिरदौस सिद्दीकी आपका स्वागत करता हूं बाल विद्या मंदिर सीनियर सेकेंडरी स्कूल के ई लर्निंग प्लेटफॉर्म पर। फ्रेंड्स, आज हम कक्षा 7 की प्रश्नावली 2.1 के क्वेश्चन क्रमांक 3 से करेंगे। तो शुरू करते हैं फ्रेंड्स। तीसरे प्रश्न में क्या दिया है, एक वर्ग दिया है अपने को। एक जादुई वर्ग में प्रत्येक पंक्ति, प्रत्येक स्तंभ और प्रत्येक विकर्ण की संख्याओं का योग क्या होता है, समान होता है। तो क्या यह एक जादुई वर्ग है? अब अपने को एक वर्ग दिया है इस प्रकार से, अपने को ये चेक करना है कि ये जादुई वर्ग है या नहीं है। इस प्रकार से अपने को दिया है 4/11, यहाँ दिया है 4/11, 9/11 और 2/11, फिर दिया अपने को 3/11 और 5/11 और 7/11। इसके बाद दिया अपने को 8/11 और क्या दिया है 1/11 और क्या दिया है 6/11। देखिए फ्रेंड्स, इसका योग करना है मेरे को, यहाँ लिखूंगा योग करके, इसका योग करके मैं यहाँ लिखूंगा, इसका योग करके मैं यहाँ लिखूंगा, इसी प्रकार से इनका योग करके मैं यहाँ लिखूंगा, इनका योग करके मैं यहाँ लिखूंगा और इनका योग करके मैं यहाँ लिखूंगा। उसके बाद होता है विकर्ण, विकर्ण ये वाला, इसका योग करके मैं यहाँ लिखूंगा, ठीक है, और ये विकर्ण है, इसका योग करके मैं यहाँ लिखूंगा और फिर देखूंगा ये सब एक जैसे आते हैं कि नहीं आते। अगर सभी एक जैसे आ गए तो क्या होगा, ये मेरा जो है जादुई वर्ग हो जाएगा। तो सबसे पहले मैं करता हूँ इनको, तो पंक्ति का योग, प्रत्येक पंक्ति का योग कर रहे हैं। तो देखो ये पहली पंक्ति है, ये दूसरी और ये तीसरी, ठीक है। तो पहली पंक्ति का योग, ठीक है, तो यहाँ क्या आएगा, पहली पंक्ति में 4/11 प्लस 9/11 प्लस 2/11, हरों का लैसे, देखो सब पे 11 है तो हरों का लैसे 11 आएगा, और ये जो ऊपर है 4, 9 और 2 ये सेम आएंगे वापस, क्योंकि देखो 11 में 11 का भाग देंगे, एक आएगा, एक को 4 से गुणा करेंगे 4 आएंगे, 11 में 11 का भाग दिया एक आएगा, एक को 9 से गुणा करेंगे 9 आएंगे, और इसी प्रकार से 11 में 11 का भाग देंगे तो अपने एक आएगा, एक को 2 से गुणा करेंगे 2 आएंगे। यानी कि जब हर जो है एक जैसे होते हैं तो हरों का लैसे भी वही आता है, वही संख्या आती है, और अंश जैसे हैं वैसे के वैसे आएंगे। प्लस है तो प्लस लगा देना, माइनस है तो माइनस लगा देना है। तो यहाँ आएगा 11, 9 और 4 13, 14 और 15/11, ठीक है। इसी प्रकार से दूसरी पंक्ति, का योग कर लेंगे अपने, तो 3/11 5/11 प्लस 7/11, हरों का लैस आ गया 11, ऊपर रह गए 3 प्लस 5 प्लस 7, तो कितने आ गए 15/11। तो यहाँ भी क्या आ जाएंगे 15/11, थोड़ा बड़ा करके लिख देता हूँ मैं, दूसरी पंक्ति का योग भी क्या आ रहा है 15/11। तीसरी पंक्ति अपने और कर लेते हैं, ये वाली तीसरी पंक्ति का योग, तीसरी पंक्ति में अपने 8/11 प्लस 1/11 प्लस 6/11, देखो हरों का लैस सब जगह 11 है तो हरों का लैस 11 ही आएगा, ये आएंगे 8 प्लस 1 प्लस 6, 8 और 9 और 6 15/11, ये आ गए 15/11। तो सभी पंक्तियों का योग क्या है, समान है, सभी पंक्तियों का योग समान है, कितना है 15/11। अब करते हैं फ्रेंड्स अपने स्तंभों का योग, ये था पंक्तियों का योग, ये हमने क्या किया यहाँ पे, पंक्तियों का योग किया हमने, ओके। अब हम करेंगे स्तंभों का योग,
अब पहला स्तंभ, पहला स्तंभ, स्तंभ क्या होते हैं फ्रेंड्स? स्तंभ जो है अपने यहां पर ये वाली जो लाइन है वो स्तंभ कहलाती है, पिलर, पिलर बन रहे हैं, ठीक है। तो पहले स्तंभ, पहले स्तंभ का योग, तो स्तंभ में देखो पहला नंबर पे 4/11 है, दूसरे नंबर पर 3/11 है और 8/11 है इस पहले स्तंभ में, पहली दूसरी और तीसरी संख्या। तो यहाँ भी क्या आएगा, हरों का लस से 11 आ जाएगा फ्रेंड्स। 4 + 3 + 8, 4 + 3 + 8 ये हो गए 15/11। ये पहले स्तंभ के नीचे लिख देंगे 15/11। अब देखिए दूसरा स्तंभ, तो यहाँ हम लिखेंगे दूसरे स्तंभ का योग। अब दूसरा स्तंभ अपना क्या है, 9/11, 5/11 और 1/11। तो हम लिखेंगे 9/11 प्लस 5/11 प्लस 1/11, ये वाला लिख रहा हूँ मैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आएगा, हरों का लस से 11 आएगा, 9 + 5 + 1, 9, 5, 14 और 1 15/11, ये हो गया दूसरे स्तंभ का योग, ठीक है। अब है तीसरा स्तंभ, तो हम यहां लिखेंगे तीसरे स्तंभ का योग कितना आया। तीसरे स्तंभ का योग करेंगे तो देखो 2/11, 7/11 और 6/11 प्लस 6/11, हरों का लस से क्या आ जाएगा, 11 आ जाएगा। यहाँ आएंगे 2 + 7 + 6, 7 × 2 = 9 और 6 = 15/11। तो स्तंभों का योग भी क्या आ रहा है, 15/11 आ रहा है। तो यहाँ लिखेंगे स्तंभ, सभी स्तंभों का योग, स्तंभों का योग बराबर 15/11, ठीक है ना। या लिख सकते हैं समान है, समान है फ्रेंड्स। यहाँ तक आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, अब मेरे को इसमें मिटाना पड़ेगा। ओके फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं। अब देखिए विकर्णों का योग करना है, अपने किसका योग करना है, विकर्णों का योग क्या होता है, तिरछे जोड़ करने, एक ये वाला तिरछा और एक ये वाला तिरछा। तो यहां हम पहला विकर्ण इसको मान लेते हैं और यहां हम किसका योग कर रहे हैं, विकर्णों का योग। तो पहला विकर्ण, पहला विकर्ण क्या है हमारा, देखो ऐसे चलो आप, ये पहला विकर्ण है आपका 2/11, फिर 5/11, फिर 8/11 तिरछा। तो 2/11 प्लस 5/11 प्लस 8/11, हरों का लस से आपके 11 आएगा, फिर ऊपर आएंगे 2 + 5 + 8, 2 × 5 = 8, 15/11, ये आ जाएगा आंसर अपना 15/11। ये पहला विकर्ण आ गया फ्रेंड्स। अब दूसरा विकर्ण, ये वाला विकर्ण, ठीक है, कैंची बनानी क्रॉस का निशान। तो दूसरा विकर्ण यहां आपने लिखते हैं पहले विकर्ण का योग, ठीक है, पहले विकर्ण का योग। अब अपने लिखेंगे दूसरे विकर्ण का योग, वो कितना आएगा। तो दूसरा विकर्ण अपने क्या है, यहाँ से लेंगे अपने ये ले लिया, अब दूसरा विकर्ण ये वाला 4/11, 5/11 और 6/11, क्या लिखेंगे, 4/11 प्लस 5/11 प्लस 6/11। यहाँ हरों का लस से क्या आएगा, 11, 4 + 5 + 6, इनको जोड़ेंगे तो भी आएंगे 4, 5, 9 और 6, 15/11, तो ये क्या आ गए 15/11, ठीक है ना। तो यहाँ लिखेंगे विकर्णों का योग, सभी विकर्णों का योग भी क्या आ रहा है, योग भी
समान है। अब आप ध्यान से देखो, मैंने जो चार्ट बनाया था इसमें सभी का मान क्या आ रहा है, 15/11 आ रहा है। तो हम यहाँ लिखेंगे हाँ यह एक जादुई वर्ग है। क्यों है भाई? क्योंकि सभी पंक्तियों का योग कॉमा सभी स्तंभों का योग व सभी विकर्णों का योग समान है। सबका योग क्या आ रहा है? 15/11 आ रहा है समान, बराबर 15/11 प्राप्त हुआ। ये हो जाएगा फ्रेंड्स हमारा इसका पूरा सॉल्यूशन। आप अब जो है इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं यहाँ से लीजिए। ओके फ्रेंड्स, ये था हमारा तीसरा प्रश्न। अब अपने करते हैं इसका चौथा प्रश्न। चौथे प्रश्न में अपने को क्या दिया है? एक आयताकार कागज की लंबाई 12 सही 1/2 और चौड़ाई 10 सही 2/3 है, कागज का परिमाप ज्ञात कीजिए। तो आयताकार कागज की लंबाई कितनी है? आयताकार कागज की लंबाई बराबर 12 सही 1/2 सेंटीमीटर और चौड़ाई 10 सही 2/3 सेंटीमीटर। आयताकार कागज की चौड़ाई 10 सही 2/3 सेंटीमीटर। अब फ्रेंड्स इसको थोड़ा सा और चेंज कर लेते हैं, 12 दुना 24 और 1 25/2 सेंटीमीटर हो जाएगा ये, और ये 10 तीया 30, 30 और 2 32/2 सेंटीमीटर। मैंने कैसे किया देखो, इन दोनों को गुणा करते हैं 12 दुना 24 और फिर ये एक जोड़ देते हैं। इसी तरह इन दोनों को गुणा किया 10 तीया 30, फिर ये दो जोड़ दिए मैंने, हो गए 32 और बट्टे में जो संख्या है वही रहती है, जैसे यहाँ बट्टे में 3 है तो 3 ही रहेंगे यहाँ पे, ठीक है। ऊपर बट्टे में 2 थे तो 2 ही रहे हैं वहाँ पे, बट्टे वाली संख्या में कोई परिवर्तन नहीं करते हैं इसमें। अब कागज का परिमाप ज्ञात करना है, तो यहाँ देखो आयत के परिमाप का देखो सूत्र मैंने आपको सारे लिखा रखे हैं, पहले मैंने वीडियो बना दी इसकी, तो उसमें से आप देख करके सूत्र जरूर याद करें। तो आयताकार कागज का परिमाप यानी आयत का परिमाप बराबर क्या होगा? 2 गुना लंबाई प्लस चौड़ाई, 2 का 2 गुना लंबाई कितनी है 25/2 प्लस चौड़ाई कितनी है 32/3, तो 2 गुना हरों का लस आ जाएगा 3 दूनी 6, 2 का भाग 6 में देंगे, देखो 25 का 25 गुना 2 का भाग इस 6 में देंगे, 2 तिया 6 प्लस 32 का 32, 3 का भाग इस 6 में देंगे 3 दुनी 6, तो यहाँ कितना आ जाएगा 2 गुणा 25 तिया 75 प्लस 32 दुना 64/6, 2 गुणा 5 4 9 7 और 6 13/6 कट कर दो, 2 तिया 6 2 एकम 2, तो यहाँ आ गए 139/3 है ना। अभी से 139 में अपने भाग देंगे 3 का 3 चौक 12, 1 बच गया नया अंक 9, 3 छंग 18, कितना बच गया 1, ये जो शेष फल बचा है वो ऊपर लिखो और जिसका भाग दे रहे हैं वो नीचे लिखो। तो सेंटीमीटर बराबर 46 सही 1/3 सेंटीमीटर, ये हमारा आंसर आ जाएगा। चेक कर लेते हैं फ्रेंड्स आंसर आ रहा है या नहीं आ रहा है।
प्रश्नावली हमारी 2.1 का चौथा प्रश्न एकदम करेक्ट है फ्रेंड्स। आप इसका भी जो है स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ओके फ्रेंड्स, ये थी हमारी प्रश्नावली 2.1 कक्षा 7 की। तो फ्रेंड्स, आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। फ्रेंड्स, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि आने वाली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलती रहे। धन्यवाद।